हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ये लिया है मैंने 20 रुपीज़ की स्ट्रिक इंस्टा शैम्पू हेयर कलर, जो कि क्विक एंड कन्वीनियंट है। नो अमोनिया, 100% ग्रे कवरेज है। सिर्फ 5 मिनट में आपके सफ़ेद बालों को ये काला कर देगी। तो दोस्तों, चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसे अपने बालों पे अप्लाई करना होता है। ये शैम्पू हेयर कलर है फ्रेंड्स, जो कि रिक्वेस्ट आई थी। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ज़रूर दीदी, आप ऐसी शैम्पू जो मार्केट में मिल रही है उसका रिव्यू आप करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अंदर एक पाउच दिया गया है और ग्लव्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। सो वेयर कर लेते हैं ग्लव्स को। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी एक जो बाल है ना, यहाँ पे आपको ग्रे दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि बाल ग्रे नहीं है, तो एक है, देखिए आप देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को पूरा ये लाइव करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लव्स को वेयर कर लेते हैं, ग्लव्स, ठीक है। तो बालों को चलो अब ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने बाल अपने ना अच्छे से कोम किए हैं, ठीक है। अब इस पाउच को मैं सीजर से, यहाँ साइड में दिया हुआ है ना कटिंग, तो उस जगह से आपको कट कर लेना है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे कट कर लिया। और ये देखिए, वन सेकेंड, तो ये आप लोगों को लाइट दिखेगा बराबर। ये रहा इसके अंदर, दो चीजें हैं एक्चुअली इसमें, देखो आप, वाइट और एक शैम्पू जैसा कुछ तो है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले अपने इस थैली के ऊपर ही करना है। आपको ये झाग दिख रहा है, चलिए अब बालों पे इसे अप्लाई करते हैं। खुशबू बड़ी अच्छी है, तो यहाँ पे सफेद बाल जो है मैं उससे अप्लाई करती हूँ इसके ऊपर। शैम्पू, वाओ, सिर्फ शैम्पू करना है। मतलब मुझे लगता नहीं कि एक पैकेट मेरे बालों के लिए पूरा शैम्पू इनफ होगा, बट आई एम ट्राइंग। जितना भी है इतना पूरा लग जाए। सिर्फ 20 रुपए में आपके बालों को ये कर देगा काला। मतलब सब जगह पे ये लगना चाहिए ना अच्छे से। मेरे तो बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं, लंबे हैं, क्योंकि आगे ही लग गए। और थोड़ा बहुत जो बचा है उसे भी थोड़ा निकाल के लगाती हूँ। आई विल ट्राई बैक साइड ऑल्सो। एक तो बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है और ओहो, ये देखो यहाँ पे मैजिक हो रहा है, काले काले हो रहे हैं यहाँ पे फॉरहेड पे। दैट मीन्स काला होगा ये शैम्पू। चलो अभी पूरे बाल तो, पूरे बालों पे तो नहीं हुआ है ये, एक पैकेट में नहीं होने वाला ये। बचे खुचे हैं उसको भी ले लेते हैं। अब शैम्पू करो, शैम्पू करो, बालों को काला करो। देखो फ्रेंड्स, आपने देखा सिर्फ आगे की तरफ लगा और थोड़ा बहुत पीछे लगा होगा तो लगा होगा, आगे के बाल ही थे। वैसे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आगे का एक बाल था ना जो सफेद था, तो कोई बात नहीं, वैसे भी सब जगह नहीं लगाना है। तो मेरे बालों पे ये देखिए, पूरे बालों पे नहीं लगा जैसे कि आप देख सकते हो शैम्पू, है ना। तो ये एक चीज है, तो मैं इसे अच्छी तरह से अभी 5 मिनट के लिए छोड़ना है आपको। 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी और फिर जब वॉश करूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसका रिजल्ट, ठीक है। तो अब कर लिया है, आंबोड़ा बांध लिया है, यहाँ पे सब ब्लैक ब्लैक हो रहा है, थोड़ा इसे रिमूव कर देती हूँ। मिलती मैं आपको इसे हेयर वॉश करने के बाद। सो फ्रेंड्स, अब चलिए देख लेते हैं, मेरे हेयर को वॉश कर लिया है। 10 से 15 मिनट रखा था, ज्यादा मैंने रखा नहीं था। और वो जो मेरा ग्रे हेयर था ना, जैसे आप लोगों को पता है मैंने दिखाया, तो देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। दैट मीन्स ये शैम्पू बहुत ही अच्छे तरह से काम किया है। और
काफी अच्छा लग रहा है। हेयर को वॉश किया है मैंने एंड लग नहीं रहा है ब्राउन कलर। एक्चुअली मुझे वो कलर जो प्रॉपर मिलना चाहिए था ना, ब्राउन शेड कलर, वो कलर तो मुझे नहीं मिली है। मेरा नेचुरल कलर ही है बालों का। तो ऐसे आपको कोई शैम्पू लगा के एकदम से ये 100% ऐसा नहीं है कि आपको ब्राउन कलर मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये रिव्यू मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जब तब जाके मैंने इस शैम्पू को बाय किया है। आप लोगों को रिव्यू देने के लिए मैंने इसे अपने बालों पे लगाया। अदरवाइज मैं अपनी जो हेयर डाई होती है घर की बनी हुई मैं वो सारी चीजें यूज करती हूँ। बट इतने सारे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स है, सब्सक्राइबर हैं आप लोग मेरे, तो ऑब्वियसली बनता है मैं हर एक चीज का प्रोडक्ट का यूज करके आप लोगों को रिव्यू दूं ऑनेस्टली। तो अच्छा है ये शैम्पू। एक्चुअली वन पैकेट में कोई एक ही यूज कर सकता है। अगर मेंस लोग हैं दैट मीन्स यूज कर सकते हैं, बट मेरे बाल काफी बड़े हैं लंबे हैं तो मुझे टू पैकेट्स लग जाते हैं। बट मैंने वन पैकेट में ही थोड़ा सा आगे के ही बालों को ये किया है, कलर किया है। तो काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है एंड बाल बहुत ही अच्छे हो गए, सिल्की लग रहे हैं। बट उतनी शाइन नहीं है बट सिल्की लग रहे हैं बाल, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना एंड शेयर करना यूजफुल वीडियो को।